ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बेमेतरा से बड़ी खबर की बात करेंगे। बेमेतरा में जो बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच अब एसडीएम करने वाले हैं। ब्लास्ट की चार बिंदुओं पर जांच की जाएगी। 45 दिन के अंदर इस पूरी जांच रिपोर्ट को सौंपना होगा। बेमेतरा कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बेमेतरा में ये बड़ा हादसा पेश आया था और इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच होगी। एसडीएम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। चार बिंदुओं पर इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई है और 45 दिनों के अंदर इस जांच को पूरा करके जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, ये बड़ा मामला और इस मामले में अब जांच की ऐलान कर दिया गया कि पूरे मामले में जांच कराई जाएगी और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि क्या इसकी वजह रही इतने बड़े हादसे की। जी देखिए, पुलिस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 8 लोग लापता है और जो अनुभागीय अधिकारी सुश्री पिंकी मनहर है उसे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और 45 दिनों के भीतर ये जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी और जांच के बिंदु भी तय कर दिए गए हैं। चार बिंदु तय किए गए हैं, दुर्घटना विस्फोट का कारण क्या है, जो फैक्ट्री प्रबंधन थे उसके सुरक्षा के उपाय का परीक्षण था, अन्य अनुज्ञप्ति भंडारण उपयोग का जो विवरण है उसकी जो लेखा जो है उसकी जानकारी लीजिए, विस्फोट के लिए यदि कोई त्रुटि लापरवाही है उसके लिए उत्तरदायी कौन है और अन्य कोई सुझाव या बिंदु जो जांच अधिकारी समिति अगर सम्मिलित करना चाहे तो वो अपने आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। इस जो आदेश है जिला दंडाधिकारी कलेक्टर ने इस आदेश को जारी कर दिया है और जिस तरह से शनिवार की जो सुबह जिस तरह से हादसा हुआ, पूरा जो बेमेतरा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ इस हादसे की वजह से दहला हुआ था और एक बड़ी लापरवाही फिलहाल प्रथम दृष्टा सामने आई थी। बारूद भंडारण होने के बाद भी सुरक्षा मानकों में बड़ी चूक देखी गई थी, तो अब इसकी जांच है, न्यायिक जांच है, वो हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है, आप बने रहिए। नर्सिंग कॉलेजेस की कलंक कथा। में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है जबलपुर यूनिवर्सिटी, एक घोटाला पे घोटाला चलते रहती है, एक वैकेंसी आ रही है तो उनमें भी घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसी व्यथा, अब परत दर परत खुलासा, घोटाले की जांच कहां तक आंच, देखिए 5 की आंच शाम 4:55 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।